जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूँ एस्ट्रो काल गणना में। कन्या राशि वालों का मार्च का महीना कैसा रहेगा? कैरियर की दृष्टि से उन्नति, भाग्य, दाम्पत्य जीवन, रोजगार, व्यवसाय, धन धान्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, विद्यार्थियों के लिए, पठन पाठन के लिए, संतान पक्ष के लिए, भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंध में, जो कन्या राशि वाले विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये मार्च का महीना? जो राशिफल मैं बताने जा रहा हूँ ये चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पर मैंने गोचर कुंडली का निर्माण किया है, जहाँ पर 6 अंक लिखा वो आपकी राशि कन्या राशि है और आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह आपकी राशि से छठे भवन, जहाँ पर 11 अंक लिखा वहां पर विराजमान है। साथ में वहां पर सूर्य विराजमान है, साथ में वहां पर शनि ग्रह विराजमान है। आपकी राशि से पंचम भवन में, जहां पर 10 अंक लिखा वहां पर शुक्र और मंगल विराजमान है। और आपकी राशि में केतु ग्रह विराजमान है। और आपकी राशि सप्तम भवन में, जहां पर मीन राशि लिखी हुई है, 12 अंक लिखा वहां पर राहु ग्रह विराजमान है। और आपकी राशि से द्वितीय भाव में मास प्रारंभ में चंद्रमा विराजमान है। और अष्टम भवन में, जहाँ पर 1 अंक लिखा वहाँ पर देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। ये मार्च का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसे जाने वाला है? मार्च के महीने में तीन चार दुर्योग बने हुए हैं, ये सभी राशियों पर लागू होंगे। ये दुर्योग क्या बन रहे हैं इसको समझिए आप। पहले तो सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हैं, तो सूर्य शनि के योग से व्यक्ति की गति कम होती है। चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव, सर दर्द की समस्या, आँखों में जलन, हड्डियों की दिक्कत, मांसपेशियों में दिक्कत, ये प्रॉब्लम व्यक्ति की होती है। साथ में मास में ही मार्च के महीने में 4 ग्रहों का परिवर्तन होगा, वो हैं शुक्र और बुध। बुध ग्रह और शुक्र ग्रह 7 मार्च को, बुध ग्रह जैसे आपकी राशि से छठे भवन में है, आपकी राशि के मालिक हैं, वो 7 मार्च को राहु के साथ सप्तम भवन में चले जाएंगे और शुक्र ग्रह आपके पंचम से छठे भवन में चले जाएंगे। सूर्य का परिवर्तन 14 मार्च को होगा, वो आपके छठे भवन से और आपके 7वें भवन में चले जाएंगे। और मंगल ग्रह आपके पंचम से 15 मार्च को छठे भवन में चले जाएंगे। तो पहला दुर्योग तो मैंने आपको बता दिया, सूर्य और शनि का। 15 मार्च के बाद दो दुर्योग और बनेंगे, वो है शनि और मंगल का योग। छठे भाव में शनि और मंगल एक साथ होंगे और शुक्र और मंगल भी एक साथ होंगे, और शुक्र और मंगल एक साथ पंचम में भी हैं, और शुक्र और शनि का योग भी बनेगा। और जब 14 मार्च के बाद सूर्य ग्रह आपके सप्तम में होंगे तो वहां पर ग्रहण दोष भी बनेगा, सूर्य ग्रहण दोष बनेगा, यानी कि सूर्य और राहु का योग बनेगा ग्रहण दोष के। तो ये योग जो है आपके लिए कहीं ना कहीं मान सम्मान में कमी लाते हैं, सूर्य के दोष में आने से, और मंगल के साथ शुक्र के योग होने से या मंगल के साथ शनि का योग होने से व्यक्ति कामुक होता है, व्यभिचार करता है और अच्छे रास्तों को छोड़ करके बुरे रास्तों की ओर चलने लगता है। और साथ में जो मेहनत वो पहले कर रहा था उस मेहनत में कमियां आ जाती, यानी कि लेट लतीफ होने लगता है। तो शुक्र और मंगल का योग और दूसरा शनि और मंगल का योग से व्यक्ति की गति जो है कम हो जाती है, यानी जैसे काम पड़े बहुत अच्छा चल रहा था, गति में कमी आना ये योग बनाता है। तो ये योग जो है 7 मार्च से आपके सभी योग प्रारंभ हो जाएंगे। तो आपके जीवन में अब क्या क्या परिवर्तन होंगे? सबसे बड़ी बात है बृहस्पति का अष्टम में है, बृहस्पति की पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि आपके लिए लाभदायक है। विदेश में जो लोग रहते हैं उनके लिए बृहस्पति ने विदेश में रिसर्चकर्ताओं के लिए, शोधकर्ताओं के, जो विदेश में रहकर भी शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। जो साधना कर रहे हैं कन्या राशि वाले, उनके लिए बहुत बढ़िया है। विदेश में परमानेंट विदेश में रहने का योग देव गुरु बृहस्पति बनाते हैं, विदेश जाने का योग देव गुरु बृहस्पति बनाते हैं। और धन धान्य की दृष्टि से कन्या राशि वालों के लिए अचानक धन संपदा की वृद्धि के योग देव गुरु बृहस्पति बनाते हैं। और राहु का और बुध का जो योग बनेगा, वैसे तो बुध मीन राशि में नीच के बनते हैं, लेकिन बुध के
सप्तम भवन में रहने से बुध की दृष्टि अपनी ही राशि कन्या राशि में पड़ने से अचानक धन संपदा की वृद्धि के योग बनेंगे, क्योंकि राहु और बुध का जो योग होता है ये शेयर मार्केट में लॉटरी सट्टे में अचानक पैसे आने के योग बनते हैं। जो रुके हुए पैसे होंगे अचानक आपके पास आ सकते हैं। आप कहीं के न केन प्रकार, क्योंकि कन्या राशि में ऐसी शक्ति है, कन्या राशि लक्ष्मी को स्थिर रूप से रखने की शक्ति रखती है, मेंटेन रखने की शक्ति कन्या राशि के अंदर है। इसलिए कन्या राशि वाले के न केन प्रकार से पैसे को बढ़ाने के लिए बहुत यत्न करेंगे, बहुत प्रयत्न करेंगे और उनको सफलता भी मिलेगी धन दाने को बढ़ाने में, और बुध उनका साथ देगा 7 मार्च के बाद। और वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, जिन उपाय करने से जो ये दुर्योग बने हैं बने हुए हैं इनमें जो भी आपको परेशानियां आएंगी उन परेशानियों में आपको कहीं ना कहीं राहत दिलाएंगे। आप किसी से उलझे नहीं कन्या राशि वाले, क्योंकि आपके 6ठे भवन में और 7वें भवन में बहुत ज़्यादा दुर्योग बने हुए हैं। तो ये सरकारी क्षेत्रों में अचानक सूर्य के 14 मार्च तक आपके लिए फायदा है, पैसा मिलेगा, सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी कुछ जगह, और कहीं कहीं आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमियां भी आएंगी। और आपको कोर्ट कचहरी के मामले कन्या राशि वालों के बढ़ने के योग बने हुए हैं, क्योंकि मंगल का शनि का एक साथ 6ठे भाव में होना और इनकी दृष्टियां जो है 12वें भवन पर पड़ना, तो ये कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के योग बनते हैं। वाद विवाद से बचना है और दाम्पत्य जीवन में भी आपके सूर्य और राहु के आ जाने से वाद विवाद बहुत ज़्यादा होगा, संतान पक्ष को लेकर भी परेशानियां होंगी, क्योंकि संतान के मालिक जो हैं शनि बनते हैं आपके, और संतान के मालिक भी पीड़ित होने के साथ साथ और दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियां आएंगी, संतान को लेकर भी परेशानियां आएंगी। तो आपने जितना हो सके वाणी पे कंट्रोल करें, अपनी बातों को किसी को शेयर न करें, इधर की उधर न करें, वाणी पे कंट्रोल करें। जितना ज़्यादा कंट्रोल करेंगे उतना आपको फायदा होगा। विद्यार्थियों के लिए ये मार्च का महीना जब तक मंगल विराजमान है पंचम में, विद्यार्थियों के लिए ठीक है और पढ़ाई लिखाई में आपकी रुचि बढ़ेगी, अध्ययन करने में रुचि बढ़ेगी, पेपरों की दृष्टि से आपके लिए ठीक है, लेकिन चिड़चिड़ापन, तनाव, क्रोध आना ये सब आपके साथ हो सकता है। इसके लिए आप मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करें और माँ भगवती के सरस्वती के 12 नामों का उच्चारण पाठ नित्य करें, गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण करें। इनके पाठ करने से कहीं ना कहीं कन्या राशि वालों के और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये उपाय मैंने आपको सभी कन्या राशि वालों के लिए बता दिया, विद्यार्थियों के लिए बता दिया। इसके करने से ये मार्च का महीना आपका बहुत अच्छा रहेगा, पेपरों की दृष्टि से, पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से आपके लिए कोई परेशानी आने वाली नहीं, जो परेशानी आएंगी भी वो परेशानी कहीं ना कहीं आपके निकल जाएंगी। तो आप उपाय जरूर करें। आगे चल करके आपके कैरियर को लेकर भी इस महीने कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव है, आपके काम बनेंगे, व्यापार थोड़ा बहुत चलेगा, फिर 4-5 दिन परेशानी रहेंगी व्यापार में, कैरियर में भी ऐसा ही रहेगा। मार्च के महीने में उठक पटक रहेगी, क्योंकि ये जो योग बने हुए हैं ये सभी के लिए ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन जो अच्छी बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपके साथ होंगी। धन धान्य की दृष्टि अच्छा रहेगा और आपके लिए सुखों की दृष्टि से देव गुरु बृहस्पति आपकी भूमि भवन प्रॉपर्टी के सुख बनाएंगे और शांत रखने में देव गुरु बृहस्पति पूरा सहयोग करेंगे, आपको मुसीबतों से बचाएंगे और कहीं ना कहीं उलझे हुए जो व्यक्ति रहेंगे या फंसे हुए व्यक्ति रहेंगे उनको रास्ता देव गुरु बृहस्पति दिखाएंगे। तो उपाय आप कर लीजिए, इस महीने आप संघर्ष करते हुए दिखेंगे और मेहनत करना ही है, संघर्ष करना ही है, जीवन का लक्ष्य ही यही है, क्योंकि चकरार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति, जिस प्रकार आपने देखा होगा गाड़ी का जो टायर है वो घूमता रहता, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे लगा रहता है, इसी तरह जीवन भी ऊपर नीचे लगा रहता है। ग्रहों पर भी ग्रहण लग सकता है, ग्रहों पर भी कुछ ना कुछ बाधाएं हो सकती है। जब परमपिता परमेश्वर भगवान जब पृथ्वी में आकर के कष्टों में रहे तो मानव भी इसीलिए परेशान थोड़ा बहुत रहते हैं, लेकिन अगर आप अपने कर्म करते जाएं, मेहनत करते जाएं, उपाय करते जाएं, तो समस्याएं कहीं ना कहीं हल्के हो जाते हैं। लेकिन अगर आप समस्याओं में फंस जाएं और समस्याओं को लेकर ही
बैठे रहें कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये, सोचते रहें तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन से आपका बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर भी इस महीने आपके लिए परेशानियां रह सकती हैं। स्वास्थ्य में भी सुधार के लिए आप देवगुरु बृहस्पति की उपासना करें, लक्ष्मीनारायण मंदिरों में जाएं और ब्राह्मणों को दान पुण्य करेंगे तो बहुत लाभ रहेगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चला, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका का अध्ययन करवा सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये सही मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।